प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। उनके डायलॉग्स को लेकर भी बड़ा एतराज जताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बहुत गलत तरीके से इस्लाम को दिखाया जा रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर जमात के को बहुत ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए वो चाह रहे थे कि फिल्म जो है इस पर बैन लग जाए, इसे ना दिखाया जाए। यहाँ तक कि जो आर्टिस्ट है उनको मारने की धमकियां भी दी गई। देखिए, मारने की धमकियां तो मुझे भी रोज आती है। आपको याद होगा कि हमारे भारत में जब भी कोई सब्जेक्टिव और ट्रू स्टोरी पर, ट्रू इंसिडेंट और एक्सीडेंट पर निर्धारित कोई मूवी बनती है, जो अभी इस ईरा में बनने लगी है, उस पर मुसलमानों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे द केरला स्टोरी आई थी, तो मुझे याद है कि 13-14 साल के मुसलमान बच्चे ने भी मुझे टोका था रोड पर, अच्छा तुझे बड़ी खुजली है कि किसका किसका कन्वर्शन हो रहा है। 13-14 साल के मुसलमान बच्चे ने मुझे जकरिया स्ट्रीट में टोका था, कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में। अब बात आती है कि जब 72 वर्जिन हुर आया था मूवी, तब भी इन्होंने बहुत हंगामा मचाया था। फिर अजमेर 1992 आया, तो भी इन्होंने बहुत हंगामा मचाया। फिर द कश्मीर फाइल आई, तब भी इन्होंने हंगामा मचाया। आर्टिकल 370 आया, तब भी इन्होंने हंगामा मचाया। अब जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस दिए हैं मूवीज के, क्या वो सच्ची घटना पर निर्धारित थी कि नहीं? बिल्कुल थे। इवन मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगी कि वो कमेंट बॉक्स पर लिखे कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या आर्टिकल 370 जब हटा तो उस वक्त की जो घटना वहां पर कश्मीर में थी कि एक फुलझड़ी तक नहीं फूटने दिया गया अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। तो अगर उसको पर्दे पर अच्छे तरीके से दिखाया गया और कांग्रेसी जमात जो आर्टिकल 370 लगाने के लिए संविधान का चीरहरण की थी, जो संविधान को उन्होंने उल्लंघन किया था, संविधान का तोड़फोड़ किया था, वो अगर दिखाया गया तो पूरा क्या किया गया और पूरे पूरे ट्रू फैक्ट पर दिखाया गया। अब अजमेर 1992 वाकई में भाई उसके तो सारे केस की फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई भी व्यक्ति सर्टिफाइड कॉपी उठा सकता है, क्योंकि चिश्तिया फैमिली के आज भी 3 लोग तिहाड़ जेल में है, जिन्होंने बलात्कार किया था, मास बलात्कार किया था, जिन्होंने न्यूड फोटोशूट किया था। जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को लिखा था वो आज भी चल रहा है, वो न्यूज़पेपर आज भी चल रहा है भैया। उसके बाद एक और हिंदी न्यूज़पेपर आता था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो भी उन्होंने भी आर्टिकल लिखा था पर कांग्रेसियों ने उसको दबा दिया था, लेकिन वो हिंदी न्यूज़पेपर भी आज भी चल रहा है। तो फैक्ट के आधार पर और एक सच्ची घटना के आधार पर कोई मूवी अगर दिखाई जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है? अच्छा 72 वर्जिन हो तो भाई ये तो मौलाना साहब ही बैठ बैठ करके बोलते हैं कि 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, अल्लाह तबारक ताला मर्दों को 72 वर्जिन हूर देगा और अय्याशी कीजिएगा, तो उसी को करके दिखा दिया गया। उसके बाद फिर द केरला स्टोरी, वाकई में आज भी आप जाइए साउथ में केरला में, वहां पर आज भी कन्वर्शन चल रहा है। आप हैदराबाद चार मीनार जाइए, बल्कि उस पर भी एक मूवी बननी चाहिए कि आज भी हलाला हो रहा है, आज भी बेटियों को बाप जो है अब्बू जान जो है वो शेख को बेचते हैं, आज भी हो रहा है। तो जो सच्ची घटना की मूवीज होती है वो मुसलमानों को पसंद नहीं आती है, पर दीपिका पादुकोण अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके पूरा बदन दिखाएगी तो उसको मुसलमान कूद कूद के देखता है। दिवाली की मूवी शाहरुख खान की और दीपिका ने पहन लिया बिकिनी, अब मुसलमान ईद की ईदी ले ले करके चला जाएगा सीधा सिनेमा हॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे देश की युवा, हमारे देश के जो शिक्षित युवा है और जो फैमिलीज है, वो चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव मूवीज देखें और सब्जेक्टिव मूवीज अपने बच्चों को दिखाएं। देखिए मैं भी एक बच्चे की माँ हूं और अंजू जी आप भी बच्चों की माँ है। ये जो मूवीज आती है जिसमें इतने रिवीलिंग कपड़े होते हैं, इतने सेक्सुअल सीन होते हैं, इतना मतलब डर्टी जो एक क्रिएट करके दिखाया जाता है, सेडक्शन की चीजें दिखाई जाती हैं, क्या हम अपने जवान बेटे के साथ बैठ करके देख सकते हैं? पर इस तरीके की सब्जेक्टिव मूवीज को
हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके देखेंगे भी और बच्चों को एक एक चीज एक सब्जेक्ट पता भी चलेगा और वो एक इंफॉर्मेटिव मूवी के जरिया हमारे बच्चों का दिमाग भी खुलेगा कि क्या गलत है और क्या सही। और फिर आपको याद होगा कि जो केरला स्टोरी की बात आपने की नाजिया जी, उसके लिए तो तमिलनाडु में भी उस पर बैन लगाया गया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि वो फिल्म नहीं दिखाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि फिल्म दिखाने में क्या दिक्कत है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको ना देखना है ना देखे। वही बात जो आपने कही, इस मामले में भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। तो अगर इस फिल्म को लेकर हम दो हमारे 12 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनको वहां से भी इसी तरह का आदेश मिलने की पूरे चांसेस है, पूरे आसार हैं। लेकिन आपने हमेशा इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में महिलाओं को लेकर बहुत सारी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, कई बार हमने इस पे वीडियो किए हैं। इस फिल्म में भी तो महिलाओं का जिस तरह से उत्पीड़न होता है, जिस तरह से उन्हें सिर्फ इस्तेमाल की एक वस्तु समझा जाता है, वही सब कुछ तो उजागर किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस मूवी में ना महिलाओं के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझाने और बताने की कोशिश की गई है। अगर एक औरत, अगर एक लड़की, अगर एक महिला अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करती है तो वो कभी भी अपने आप का मिसयूज नहीं होने देगी, कभी भी नहीं होने देगी। हमारा कानून क्या कहता है कि हमारा हमारी जिससे शादी होती है या हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, अगर वो हमारी बिना मर्जी के हमारे साथ सेक्स करने की कोशिश करे तो वो भी कानून की नजर में एक क्राइम है। और महिला चाहे तो वो जाकर के एफआईआर कर सकती है, इवन अपने हस्बैंड पर। तो जब एक औरत को इस्लाम के भीतर ला करके, इस्लाम का हवाला दे करके, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप उससे बच्चा पैदा करवाए जा रहे हो, उसके हार्मोन का आपको परवाह नहीं है, उसके स्किन की परवाह नहीं है, उसके उसकी बॉडी की परवाह नहीं है, उसके फिगर की परवाह नहीं है, उसके ब्लड की परवाह नहीं है, उसके उसके सिंड्रोम की परवाह नहीं है, उसके उसके हेल्थ की परवाह नहीं है, उसके फीचर्स की परवाह नहीं है, उसके मेटाबॉलिज्म की परवाह नहीं है, बस आपको बच्चा चाहिए क्योंकि अल्लाह की देन है। ओ माय गॉड, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अल्लाह ने आपको ये मना नहीं किया है कि आप खिलाने के काबिल नहीं हो, लेकिन आप और एक जान को लेकर के आप हजारों जान पैदा कर दो? ये कब कह दिया गया? ये कभी नहीं कहा गया। इसको इन्होंने अपने लज्जत के लिए, अपने मजे के लिए फ्लेक्सिबल किया है और इसको अलग तरीके से बना दिया है। अब जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां की थी, 12 निकाह किया था, तो उन्होंने विधवा से किया था, उन्होंने अनाथ से किया था, उन्होंने मजलूम से किया था, उन्होंने गरीब से किया था, जिसका कोई नहीं था उससे किया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिनकी 4 बीवियां हैं, जिनकी 5 बीवियां हैं, वो क्या ऐसे ही कोई शादी कर रहे हैं? क्या विधवा से कर रहे हैं, बड़े उम्र वाली से कर रहे हैं, खुद 21 साल के हैं, 45 साल की उम्र की किसी लड़की से कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता देती हूँ। मेरा एक फ्लैट था कैलकटा में, 12 रामलोचन मलिक स्ट्रीट में, वहां पर 1, 2, 3 करके, जैसे पुराने जमाने में जो 1, 2, 3, 4 करके फ्लैट होते थे, उसमें 9 नंबर एक फ्लैट था, 9 नंबर एक फ्लैट था। उसमें जो हम लोग उनको दादा अब्बू बोलते थे जब छोटे थे, तो उनकी 4 बीवियां थी और उनको 18 बच्चे पैदा हुए थे। अब इतना स्पेसिफिकली अगर मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली ये फैक्ट बोल रही हूँ ना। और आज भी वो 9 नंबर फैमिली जो है, फ्लैट वाली फैमिली, आज भी वहां पर कुछ लोग रहते हैं, और उन्होंने 9 नंबर फ्लैट वाली फैमिली, 12 रामलोचन मलिक स्ट्रीट जो फलमंडी फ्रूट मार्केट के ऊपर है, 4 बीवियां और 18 बच्चे वो एक घर में रखते थे। अब आप सोचो कि 18-18 बच्चे, क्योंकि कई बार नेशनल न्यूज पर कुछ लोग बोल देते हैं, मौलवी मुल्ला, अरे पहले होता था, अब नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता है? हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हम आज भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप कैसे आंखों देख के झूठ करवा सकते हो भैया? मैं तो स्पेसिफिकली बता रही हूँ, एड्रेस के साथ बता रही हूँ, जिसको जाना है जाकर के देख लो, बात कर लो जाकर के, न्यूज बाइट ले लो जाकर के उन लोगों से। 18 बच्चे, अब आप सोचिए कि जिस महिला ने 18 बच्चे पैदा किए होंगे उसका क्या हालत होगा, आप सोच। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिर लाइक खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ
जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने इन शांति दूतों से लेके मजहब के ठेकेदारों को जम के धोया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।